चुनाव संपन्न कराया गया उसमें क्या क्या आपको मान्यता? हाँ, ये चुनाव संपन्न कराया गया उसमें सबसे अहम भूमिका हमारे प्रशासन की भी रही है मदद करने में, और हमारे सम्मानित अधिवक्ताओं ने हमें बहुत सहयोग किया है, और हमने जो नियम बनाए थे उन नियमों का हमारे अधिवक्ता साथियों ने पूरा पालन किया है, और ये आज शपथ ग्रहण है जो हो रहा है वो इस बात का हो रहा है कि जो भी नवनिर्वाचित पदाधिकारी चुने गए हैं वो इस बात की शपथ लेते हैं आज कि हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे अधिवक्ता की गरिमा को ठेस पहुँचे, और कोई मेरी सब अधिवक्ताओं के हित में काम करेंगे। पहले मैं तो अधिवक्ता साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने मुझे जिस विश्वास के साथ आज कोषाध्यक्ष की शपथ ग्रहण करने का अवसर दिया है, उसी विश्वास से मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो पिछले कार्यकाल में जिस तरीके से घोटेलाबाजी हुई, जो शिकायतें रहीं, उन शिकायतों को मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि पिछली कमेटी में जो भी आपस में सामंजस्य नहीं बना, इस बार मेरी टीम इतनी अच्छी आई है, मुझे विश्वास है कि हमारा आपस में सामंजस्य रहेगा और किसी प्रकार की शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अधिवक्ताओं के हित में ही कार्य किए जाएंगे और उनके सम्मान के लिए सारे कार्य किए जाएंगे, शिकायत का कभी मौका नहीं मिलेगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। हमारी ये निर्देश जो कि हमारे बार के सभी सम्मान अधिवक्ताओं का सम्मान ऊंचा हो और हमेशा अधिवक्ताओं की समस्याओं का समाधान कराने में प्राथमिकता दी जाएगी। बार और बेंच को तालमेल के साथ आगे न्याय प्रक्रिया को पूर्ण रूप से चलाया जाएगा। अधिवक्ताओं की कोई नई कार आपके द्वारा की जाएंगी? जी नई कार, आगे नए कार क्या नए कार? पहले तो सबसे पहले मैं अपने चारों गेटों के पास वाटर कूलर पानी शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करवाऊंगा, जिससे कि और जो गंदगी फैली हुई है हमारे इस पूरे परिसर में उसकी सफाई करा के बाद उसका जो जहाँ नीचा है वहाँ भराव करा के और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। चुने गए आपने शपथ ग्रहण कर लिए, तो आप अपने कार्यों का निर्वाह कैसे करेंगे? देखिए, मैं अपनी बार में जो पदाधिकारी चुनी गई, मेरी टीम चुनी गई है, सही टीम चुन के आई है, और जो भी टीम चुन के आई है और अच्छा काम करेगी, पूर्व में जो भी हुआ वो अब नहीं होगा और बढ़िया बेहतरीन तरीके से काम होंगे, सभी के साथ सहयोग से होंगे, जिसमें अधिवक्ताओं के हित को सर्वोपरि रखा जाएगा और बाध्यकारियों का भी हित सर्वोपरि रखा जाएगा।